हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. वायरिस एंड आई वेलकम यू ऑन टू द चैनल. तबीयत थोड़ी डाउन है 2-3 दिन से, और कल तो मैं पूरा सोया हूँ रूम पे. आराम से पूरा दिन चिल मारा, थोड़े बहुत वीडियो एडिट किए, और कल तो कहीं घूमने भी नहीं गए. आज है 23 जुलाई. हाँ हाँ भाई, बोलेंगे तुम गई थी प्लांट्स लेके आई हो. ठीक, बोलो ना, तुम बोलो. हाँ मतलब मेरी बीवी गई थी. ऐसे मत बोलो, मेरी बीवी गई थी. तो अच्छे से बोलो, मेरी बीवी गई थी. हमारी मैडम गई थी कल बाहर, नर्सरी गई थी, बहुत सारे पौधे लेके आई है. और कितना? 30 रुपये में. बढ़िया, यहाँ पे बढ़िया सरकारी नर्सरी है, तो 30 रुपये में आपको कोई भी पौधा मिल जाएगा. अच्छा है, यहाँ से आप लेके जा सकते हैं. और आज है 23 जुलाई. सुबह के कितने बज रहे हैं? अभी 10:30 हो चुके हैं, और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है. आज हम चेकआउट करने वाले हैं चंपक बंगलों से. ठीक ठाक ही स्टे रहा यहाँ पे. कितना हमें टैरिफ पड़ा? 20,000 रुपये, है ना? चार नाइट रुके ना अपन. 5 नाइट. 5 नाइट, 5 नाइट का 20,000 रुपये, और ऑल मील्स इंक्लूडेड था. खाना ठीक ठाक ही था, इतना कुछ अच्छा नहीं था, मतलब एवरेज बोल सकते हैं ना. पेंच के खाने के बाद मुझे कोई खाना पसंद नहीं आ रहा है. पेंच का तो थोड़ा आउटस्टैंडिंग ही था, यहाँ पे एवरेज बिलो एवरेज ऐसा ही था. मतलब कभी अच्छा होता था, कभी ख़राब होता था. और रूम्स भी आपने देखा है, ठीक ठाक ही था. बस ये है कि ये थोड़ी प्रॉपर्टी विंटेज है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आ चुके हैं पुराने समय में, इस कारण मुझे लगता है थोड़े रेट्स ज़्यादा है. पर हाँ, मतलब 10-12 हज़ार तक रहता तो वर्थ लगता मुझे. थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ओवर थोड़ा है. ज़्यादा है 20,000 रुपये, मतलब 4,000 रुपये एक नाइट का खाना के साथ. ठीक है, पर लोकेशन भी अच्छी है, पचमढ़ी है, और ऐसा सीज़न भी चल रहा है. थोड़ा कम हो सकता था रेट, तो वर्थ हो जाता. और अभी हम चेकआउट करेंगे, और आज हम जा रहे हैं अब भोपाल, मेरे इन लॉज के घर. यहाँ से हम जाएंगे पिपरिया, पिपरिया से हमारी ट्रेन है शाम को. और तुमको कैसा लगा यहाँ पे स्टे? स्टे तो अच्छा था, बारिश ने बहुत दिमाग खराब किया, बट ऑल टाइम, मतलब रात को जो शुरू होती है बारिश, तो दिन भर गिरती रहती है गिरती रहती है, बट आज मौसम खुला हुआ है क्योंकि आज हम जा रहे हैं. हम बारिश लेके आए थे और बारिश लेके जा रहे हैं. स्टे वॉज गुड, अच्छा था, बट मुझे खाना पसंद नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कुछ कुछ चीज़ें अच्छी होती थी, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती थी, तो मिक्स था मेन्यू में. मतलब बता नहीं सकती मैं ऐसे स्पेसिफिकली कि क्या अच्छा था और क्या नहीं था. कभी कभी अच्छा बनता था कुछ. हाँ, मतलब एक हर डिश आपको थोड़ी बहुत अच्छी मिल जाएगी खाने में, तो आप खा सकते हो. ऐसा नहीं कि आपको भूखे पेट जाना है. मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज खुला खुला. पलाश और अंशु चले जाएंगे यहाँ से वापस भिलाई की तरफ, और हम जाएंगे भोपाल की तरफ. और कुछ आज थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे, कल थोड़ी ज्यादा हालत खराब थी. कल का व्लॉग हम नहीं बना पाए क्योंकि हम आराम कर रहे थे. कल तो पूरा दिन चिल मार रहे थे, कुछ नहीं किया कल, बस सोए, वीडियो एडिट किया, थोड़ा बहुत लूडो वूडो खेले, बस आराम किया कल, इसलिए आज थोड़ा अच्छा लग रहा है. आवाज़ अभी भी भारी है, लेकिन ठीक है, हल्का सा दर्द है थोड़ा सा बस. बंद है, हम आते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं जहाँ जाते हैं. वैसे पलाश ने भी शॉपिंग की है, और मैं दिखाता हूँ पलाश ने क्या शॉपिंग की है. हाँ, हमारे भी है भाई. गाड़ी मस्त सुंदर लग रही है. हरी भरी गाड़ी, हरी भरी गाड़ी. और ये आम है यहाँ के, मस्त बड़े बड़े. और ये पौधे, आम किस्म लंगड़ा. ये आम किस्म क्या? मल्लिका लंगड़ा. और कौन सी है? ये सिंदूर का पौधा. ये सिंदूर का पौधा है. ये सिंदूर है. तो भाई ने बहुत शॉपिंग की है. हमारे भी है, हमारे भी हैं 7-8. हम भिलाई पहुंच के कलेक्ट करेंगे वापस. वो पता नहीं कितने मिलेंगे तुम लोग. मैं सारा वीडियो बना लूंगा.
बाय 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 आके जाना हैप्पी जर्नी नहीं नहीं आप जाओ कहां बिठाएगा सर पे चलो बाय बाय हैप्पी जर्नी आराम से जाओ तो ये है टोमेटो शोरबा सूप टेस्ट भी ठीक है मुझे तो सर्दी है तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है कैसा लगा तुमको आई डोंट लाइक मुझे नहीं अच्छा लगा टोमेटो वो अच्छा था कल वाला क्या क्या है क्या है ये है बनाना रायता कैसा अच्छा मैंने टेस्ट नहीं किया अभी ये है आलू गलबट्टी की सब्जी ये है पनीर की सब्जी पापड़ सलाद तो दिख रहा है हम पी चुके हैं सूप नहीं पड़ गया हाँ रोटी हमने अभी गर्म गर्म मंगवाई है दाल फ्राई है चावल है और चिकन करी है जो कि हम नहीं खाते हैं मैं नहीं खाती लंच हो गया हमारा और अभी 2:30 बज रहे हैं अब ऑटो का जुगाड़ देखना है बस स्टैंड पहुंचने के लिए वैसे रिसेप्शन में हमने बोल रखा था तो बोले थे हो जाएगा अरेंजमेंट फिर से बोलते हैं उन्हें कि मंगवा दें ऑटो अब चलते हैं बढ़िया और शहर में बैठा बैठ जाइए आगे वाली सीट का 200 रुपये लगेगा अरे मैंने बता दा यार यहाँ पर आप लोग अगर आते हैं बस स्टॉप पे तो बहुत सारे लोग एकदम तुरंत आपको अटैक करने वाले हैं तो बी प्रिपेयर्ड और यहाँ पर एक्चुअली बसेस भी चलती है और शेयरिंग में भी टैक्सीज चलती है और अगर आप लोग जैसे सेफ्टी वाइज अगर आप लोग हो सकता है कि शायद किसी किसी को लगता होगा तो अगर आप टैक्सी से जाना चाहें पर पर्सन हाँ प्राइवेट अगर जाना चाहें अपना खुद का करके तो 800 रुपये में आपके परिवार यहाँ से पहुँच जाएंगे और जैसे कि हम 2 लोग हैं तो 2 लोग के हिसाब से उन्होंने हमको 200-200 रुपये चार्ज किया है अगर शेयरिंग में हम जाते हैं तो हम दोनों का 400 रुपये बट आप अगर बस से जा रहे हो तो आपको 80 रुपये टिकट लगता है तो 160 में आप दोनों आराम से पहुंच जाएंगे अगर आप 2 लोग हैं तो हमारे हिसाब से तो बस जाना इज वर्थ और हमारे पास टाइम है बेसिकली हमारा 8 बजे ट्रेन है तो यहाँ से ये 4 बजे निकलेंगे 4 बजे निकलेंगे तो आराम से 5:30 बजे तक वो टच कर देंगे 5 बजे का तो 4 बजे की बस पट्ठों ने कैंसिल कर दी थी क्योंकि सवारी ज़्यादा नहीं थी ज़्यादा क्या मतलब 10-12 लोग तो थे तो अब ये 4:30 बजे निकल रहे हैं छः बज के 20 मिनट हो रहे हैं हम पहुंच गए हैं पिपरिया रेलवे स्टेशन और यह है पिपरिया रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन आएगी भाई उधर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे उस साइड हम अभी जो बैठे हैं वो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म और सामान है थोड़ा ज़्यादा तो इसीलिए हिम्मत जोड़ रहे हैं फिर जाएंगे सीढ़ियों से जाना है उस तरफ चलो ऐसा धूपगढ़ चढ़ लिए तू चौरागढ़ तो चौरागढ़ इतना सामान लेके थोड़ी चढ़ी थी तुम्हारा थाइस बन जाएंगे ऐसे बैग लेके डेली सीढ़ी चढ़ोगी तो साढ़े आठ हुआ है और हमारी ट्रेन आ रही है अभी हम जा रहे हैं अपने बोगी नंबर पे दूर है थोड़ी लेट है ट्रेन करीब 20 मिनट लेट है देखते हैं पहुंचाती कितने बजे तक है हम 12 बजे तक पहुंच जाएंगे शायद भोपाल
भोपाल आ गया। 12 बज रहे रात के, करीब 15-20 मिनट ट्रेन लेट थी, लेकिन पहुंच गए। ऑटो का वेट हो रहा है, स्टेशन में बैठे हैं। आ रहे हैं बोले भैया 10 मिनट में। आ रहे हैं बोले भैया। किधर को रहे गए भैया? पेट्रोल डलवा रहे। ये भोपाल शहर की भाई, भोपाल शहर की भाई बात ही अलग है। यहाँ आके अलग ही मजा आते हैं। लोगों को सुन के मजा आते हैं। कल जाएंगे पोहा जलेबी खाएंगे, चाचा की गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे और पोहा जलेबी खाएंगे। तो जैसे कि अपना देहातीपन आप बंद करिए। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है। टाइम हो रहा है अभी रात के 1 बज रहे हैं, एक नहीं एक से 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं ना, तो पौने 2, हाँ मतलब 2 बज रहे हैं। और ससुराल आते ही साहब अपना पहला काम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नाक खोल रहे।